क्या हुआ जब 273 सालों बाद इस बंद मंदिर के दरवाजे खोले गए और अंदर का चमत्कार देखकर सभी गांव वालों के रोंगटे खड़े हो गए। इस घटना की शुरुआत करने से पहले महादेव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के महोबा गांव से। यहां पर एक ऐसा मंदिर है जो पिछले 250 सालों से बंद पड़ा हुआ है। कारण पूछने पर यहां के बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि एक समय पर यह मंदिर पूरी तरह से खुला हुआ था। यहां पर भगवान श्री कृष्ण की और मां राधा रानी की सोने की मूर्तियां थीं। लेकिन सन 1753 में कुछ लुटेरों की नजर इस मंदिर पर पड़ गई और वह दोनों मूर्तियों को चोरी करके अपने साथ ले गए। उसके बाद इस मंदिर के पुजारी ने यह शपथ ली कि जब तक वह दोनों मूर्तियां इस मंदिर में पुनर्स्थापित नहीं हो जाती तब तक इस मंदिर को बंद रखा जाएगा। और उस पंडित परिवार की 3 पीढ़ी गुजर चुकी है लेकिन अभी तक भगवान की मूर्तियां इस मंदिर में स्थापित नहीं हो पाई हैं। इसीलिए पिछले 273 सालों से यह मंदिर बंद पड़ा हुआ है। इसी बीच माइकल नाम के एक विदेशी न्यूजीलैंड से भारत भ्रमण करने के लिए आए और जब वह मथुरा पहुंचे तो वहां कृष्ण भक्ति में इतने ज्यादा लीन हो गए कि वह मथुरा के ही बनकर रह गए। माइकल मथुरा और वृंदावन में रहकर ही दिन रात भगवान श्री कृष्ण की भक्ति किया करते थे। और एक दिन चमत्कार कुछ ऐसा हुआ कि रात्रि को उन्हें स्वप्न में साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिए और कहा कि महानगर मुंबई के समुद्र के बीचों बीच तुम्हें एक नींबू तैरता हुआ दिखाई देगा। उसी नींबू के नीचे गहराई में मेरी राधा संग मूर्ति रखी हुई है। उन दोनों मूर्तियों को वहां से बाहर निकालो और राजस्थान के महोबा गांव में लेकर जाओ। जब माइकल की आंखें खुली तो वह पसीने पसीने हो चुका था लेकिन आदेश स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण का था और माइकल एक बहुत अच्छा तैराक था। वह तुरंत ही मुंबई के लिए रवाना हुआ और उसने स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर समुद्र के अंदर छलांग लगा दी। मुंबई का वह महासमुद्र बहुत ही विशाल है। उसमें एक छोटे से नींबू को ढूंढना यह बहुत बड़ा काम था लेकिन माइकल को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति पर भरोसा था कि वह उसे राह जरूर दिखाएंगे। और चमत्कार कुछ ऐसा हुआ कि थोड़ी दूरी पर तैराकी करने के बाद ही उसे सामने एक नींबू तैरता हुआ दिखाई दिया। वह जब गहराई में गया तो उसे वहां पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की सोने की मूर्तियां प्राप्त हुई और भगवान श्री कृष्ण के आदेश अनुसार वे उन्हें लेकर के राजस्थान के महोबा गांव पहुंच गया। महोबा गांव के गांववासियों ने जब उन दोनों सोने की मूर्तियों को देखा तो वे धन्य धन्य हो गए। वहां के बुजुर्गों का कहना था ये वही दो मूर्तियां हैं जो सन 1753 में इस मंदिर से चोरी हो गई थी, जिसके बाद पंडित परिवार की तीसरी पीढ़ी ने 273 सालों बाद महोबा गांव के उस मंदिर का दरवाजा खोला और अंदर नजारा चौंकाने वाला था क्योंकि इतने सालों तक मंदिर बंद था फिर भी अंदर पूरी तरह से साफ सफाई हो गई थी। शायद भगवान स्वयं अपने घर में आने का इंतजार कर रहे थे। जिसके बाद पूरी तरह से प्राण प्रतिष्ठा करके दोनों मूर्तियों को पुनः मंदिर के अंदर प्रतिस्थापित किया गया। गांव के सभी रहवासी माइकल का शुक्रिया अदा कर रहे थे लेकिन उसका कहना था यह तो भगवान श्री कृष्ण का ही आदेश था। लेकिन सभी के मन में यही सवाल उठ रहा था कि लुटेरे इन दोनों मूर्तियों को चुरा कर ले गए थे तो आखिर मुंबई के समुद्र के बीच में कैसे पाई गई। तब वहां के एक साधु महाराज ने अपनी योग्य शक्ति के बल पर गांव वालों को बताया कि जब वे लुटेरे जहाज के माध्यम से सभी चुराई हुई मूर्तियों को विदेश लेकर जा रहे थे तभी बीच समुद्र में अचानक से मौसम बहुत ज्यादा बिगड़ गया। वे लोग समझ चुके थे कि यह भगवान का ही क्रोध है और चुराई हुई मूर्तियों का ही नतीजा है तो उन्होंने उसी स्थान पर महोबा गांव की उन दोनों मूर्तियों को छोड़ दिया। और जैसे ही उन्होंने इन दोनों मूर्तियों को वहां छोड़ा मौसम एकदम सामान्य हो गया और वह आगे की ओर बढ़ गए। तब से यह दोनों मूर्तियां उसी स्थान पर रखी हुई थीं। भगवान श्री कृष्ण का ऐसा चमत्कार देखकर सभी लोग धन्य धन्य हो गए। इस घटना को लेकर आप क्या विचार रखते हैं हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। ऐसी सत्य चमत्कारी घटनाएं देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।